हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ, और आज मैंने फिर से अपनी बाइक के लिए कुछ मंगवाया है अमेज़ॉन से। तो जल्दी से जल्दी इसको अनबॉक्स करके देखते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। तो ये रहा वो प्रोडक्ट, काफ़ी अच्छी पैकिंग है इसकी, अब उसका। और ये है मेरी बाइक के लिए डिस्क लॉक, बहुत ही भारी है, बहुत ही मजबूत लग रहा है। इसको पहले साइड में कर लेते हैं। इसके अंदर एक कीज है, दो कीज हैं, और चलो इसको साइड में करते हैं। पहले बॉक्स से, बहुत ही प्यारा बॉक्स है जो इसका, एक बैग है रैक्सिन का, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बैग है। ये आप बाइक पे लगा सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी। तो आपको कहीं लटकाने की ज़रूरत नहीं है, बस शर्त है कि आपका कोई छेड़खानी ना कर रहा हो आपकी बाइक में, तो निकाल सकता है इसमें से आसानी से। अदरवाइज़ आप इसमें लटका सकते हैं, कहीं इधर उधर बाइक लेके जाते हो तो आपका ये कहीं भी लेग गार्ड पे या हैंडल बार पे कहीं भी ये फिट हो जाएगा, और आप फिर इसको इस तरह से कैरी करके ले जा सकते हैं जब भी आप बाइक चला रहे हो। तो ये काफ़ी यूज़फुल है, बट इस पे रखना, और इस पे रख के अगर जो आप कहीं गाड़ी पार्क कर रहे हो तो सेफ़ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे साथ पहले भी हो चुका है। मैं सेकंड टाइम ये लॉक मंगवा रहा हूँ, और मुझे पता है कि कितना अच्छा लॉक है, और मैंने ऐसे ही लटका के रखा था। तो जब मैं पार्किंग को शाम में आया, मैं गलती से भूल गया था डिस्क लॉक लगाना, तो शाम को आया तो किसी ने इसमें से लॉक निकाल के या तो कहीं ले गया होगा या फेंक दिया होगा, तो मुझे दोबारा मंगवाना पड़ा। तो अभी जो मैंने कर रखा है इसमें, कुछ एक जुगाड़ सा कर रखा, मैं आपको लोगों को बता देता हूँ जो मैंने अपनी बाइक में जुगाड़ कर रखा है इसके लिए। तो ये रही मेरी बाइक, काफ़ी प्यारी बाइक है। और जो मैंने इसमें जुगाड़ कर रखा है, ये यहाँ पे मैंने एक थॉर्न का क्लैंप लगा रखा है अलग से, 10-20 रुपये में आराम से लग जाएगा कहीं भी मार्केट में, आपको जो मैकेनिक की शॉप होती है। और यहाँ पे ये दिखता भी नहीं, और यहाँ पे मैंने ये जो डिस्क लॉक है इसको कुछ इस तरह से लटका रखा है। तो मतलब काफ़ी इजी भी है कैरी करने में, ज़रूरत नहीं पड़ती है बार बार मतलब इधर उधर, और यहाँ पे सेफ भी है ये, मतलब कोई आसानी से छेड़ेगा नहीं। यहाँ पे एक जो नट बोल्ट है इसी के साथ अटैच है, जो लेग गार्ड को सपोर्ट करता है, तो इसी के साथ अटैच है। और यहाँ पे काफ़ी सेफ भी है, आसानी से नज़र में नहीं आएगा किसी के भी। तो ये जो लॉक है काफ़ी इजी है ऐसे यूज करना। देखिए इस तरह से ये लॉक हो गया है, और अनलॉक करना हो तो आप इसको, ये जो ये है की से ही अनलॉक होगा, मतलब आप इसको आसानी से अनलॉक नहीं कर सकते, तो आपको अनलॉक करने के लिए की का यूज़ करना होगा। और जब आपको लॉक करना होगा तो आप आसानी से इसको पुश करके लॉक कर सकते हैं। बाकी लॉक करने के बाद आप ये कैप लगा लीजिएगा, ताकि इसमें पानी वगैरह या मॉइस्चर वगैरह ना जाए, तो आपका ये अंदर से लॉक भी सेफ रहेगा, इसमें जंक नहीं लगेगा। तो दोस्तों, यही था बस। काफ़ी हार्ड लॉक है, काफ़ी मजबूत लॉक है, काफ़ी सेफ है। आप जब भी बाइक लेते हैं, चाहे वो सस्ती हो या चाहे महंगी हो, काफ़ी टाइम से इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो ये एक सेफ्टी फीचर है बाइक के लिए। हम लोग कभी भी फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ इधर उधर चले जाते हैं घूमने फिरने के लिए, और वहाँ पे हमें कई बार ऐसा होता है कि हमें पार्किंग ही नहीं मिलती है, हमें ऐसी जगह बाइक खड़ी करनी होती है जहाँ पे कि हमें लगता है कि सेफ़ नहीं है। तो वहाँ पे ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, काफ़ी सेफ़ रहेगा। हम जब भी लॉक को लगा के जाते हैं तो हमें एक एहसास होता है कि हाँ सेफ़ है। तो मार्केट में और भी लॉक मिल जाएंगे काफ़ी सस्ते से, आजकल 200-200 रुपये के भी लॉक मिल जाएंगे, आपको 500-1000 के भी लॉक मिल जाएंगे, लेकिन मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। मैंने पहले बुलेट में इसे यूज किया था, तो काफ़ी टाइम से यूज कर रहा हूँ, तो मुझे क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी। बाकी आप लोग देख सकते हैं मार्केट में, और भी आपको मिल जाएंगे।
तो दोस्तों बस यही था फ़िलहाल इस लॉक के बारे में। अभी मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ, काफ़ी लंबा हो रहा है, और आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर जो आप लोगों को थोड़ा भी जानकारी अच्छी लगी हो, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में जो भी और भी वीडियो बनाने वाला हूँ बाइक के ऊपर हो गया, या और भी बाइक और भी वीडियो बनाने वाला हूँ रिलेटेड, जब भी मैं गाँव जाता हूँ तो मैं अक्सर कोई ना कोई वीडियो बना देता हूँ। फ़िलहाल मैं पहले यूट्यूब में शेयर नहीं करता था, फेसबुक पे ही शेयर किया करता था, लेकिन अभी मैं यूट्यूब पे भी शेयर करने लग गया हूँ। तो आप प्लीज़ यूट्यूब पे भी मुझे फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप वो इन्फॉर्मेशन या वीडियो देख सकें। तो थैंक यू दोस्तों, बाय, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड टाइम। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।